नाज़रीन ग्रामी, हमें खुशी है कि आप हमारे इस चैनल को बेइंतहा पसंद कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया। ख्वातीनों हजरात, आपके शौक को मद्देनजर रखते हुए आज भी हम आपके लिए कुछ इंतहाई पुरहाल वीडियोस की कलेक्शन लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक बच्चे की रूह रोजाना अपने घर आती है सिर्फ एक गुड़िया से मिलने के लिए। इसके अलावा एक ऐसी औरत की कहानी भी दिखाएंगे जिसका दावा है कि उसे रात के वक्त जिन्नात की जानिब से इगवा कर लिया जाता है। साथ रहिएगा, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं खौफनाक दुनिया। एंटोनियो का दावा है कि कुछ अरसे कबल इसका फौत हो जाने वाला बेटा आज भी अपने घर आता है जिसके वो वीडियो सबूत भी रिकॉर्ड कर चुका है। चंद माह कबल इसका 5 साला बेटा होइजे नमूनिया की बीमारी के सबब मौत की वादी में चला गया था, लेकिन इस हादसे के कुछ अरसे के बाद घर वालों ने महसूस किया कि घर में कुछ अजीबोगरीब हरकत हो रही हैं, जिसके बाद एंटोनियो ने अपने घर में सिक्योरिटी कैमरे नस्ब करवा दिए। इस कैमरे ने जो कुछ रिकॉर्ड किया वो हकीकत में हौलनाक था। एक रात जब एंटोनियो सोफे पर सो रहा था तो अचानक टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया और अपनी जगह से हरकत करता हुआ सोफे के करीब आ गया। एंटोनियो के मुताबिक इसके बेटे होइजे की ये पसंदीदा जगह थी जहां वो बैठकर टीवी देखा करता था। इसके अलावा एक और मकाम पर जब लड़के का बाप वीडियो गेम खेलने में मसरूफ था तो अचानक एक कोने से होइजे नमोदार हुआ और कुछ देर कमरे में रुकने के बाद वहां से भाग गया। नाज़रीन, क्या ये सब कुछ हकीकत के करीब तरीन महसूस नहीं हो रहा? इसी शख्स ने इसका एक और वाज़े सबूत भी देने की कोशिश की। जब इसने अपने मुर्दा बेटे को घर में महसूस किया तो उसे मुखातिब करके कोई निशानी देने को कहा। आप भी देखिए। Vuelvo a preguntar, ¿te tiene atada algo a esta? एंटोनियो ने बताया कि उसका बेटा अपनी जिंदगी में इस गुड़िया के साथ काफी खेला करता था और आज भी वो इसी से खेलने के लिए यहाँ आता है। लेकिन नाज़रीन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इस शख्स ने एक और वीडियो भी इंटरनेट पर शेयर की जिसमें इसकी बड़ी बेटी पॉलिना घर के गैराज में कोई काम कर रही थी जिसके पीछे वही गुड़िया दीवार पर लटक रही थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आप देख सकते हैं कि किसी अनजानी कुव्वत ने इस लड़की को पांव से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और दरवाजे के बाहर जाकर फेंक दिया। पॉलिना ने बादे अज़ा अपनी तस्वीर भी शेयर की जिसमें इसके पांव पर जख्म के निशानात वाज़े देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, ये कहानी थी एंटोनियो की। अब ख्वातीनों हजरात, आपको एक और अजीबोगरीब किस्सा सुनाते हैं और दिखाते हैं। शायद अगर कोई जुबानी ये बात सुनाता तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन इस खानदान ने अपने साथ होने वाले लगातार हादसात के बाद अपने बेडरूम की वीडियो बनाना शुरू कर दी। खातून का कहना है कि उसे हर रात जन्नात की जानिब से अगवा कर लिया जाता है और फिर दोबारा रिहा कर दिया जाता है। पहले तो घर वालों ने इसकी बात का यकीन न किया, लेकिन फिर उन्होंने अपने कमरे में एक कैमरा नस्ब करवाया और जो कुछ उसने रिकॉर्ड किया आप भी देखें। आप कमरे में एक जोड़े को सोया हुआ देख सकते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद चादर के अंदर मौजूद औरत अचानक ऐसे गायब हो जाती है जैसे यहाँ हवा भरी हुई थी।
वीडियो की टाइमलाइन को अगर देखा जाए तो ये औरत तकरीबन 12 मिनट तक गायब रहने के बाद वापस चादर के अंदर आ जाती है। अगली सुबह जब दोबारा औरत ने यही शिकायत की तो घर वालों ने वीडियो देखकर इसकी बात को यकीन मान लिया। आज की वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है जरूर बताइएगा और हमारी वीडियोस को शेयर भी किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।